उधर दिल्ली के जामा मस्जिद में आज बड़ी संख्या में लोग ईद की नमाज पढ़ने पहुंचे। बच्चों में त्योहार का जबरदस्त उत्साह दिखा। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ने बच्चों से बात की। जामा मस्जिद में ईद की नमाज पूरी हुई है और लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, बेहद खुश हैं। ईद के पटाखे भी यहाँ बजे हैं। नमाज के ठीक बाद आप देख सकते हैं नमाज अभी अभी खत्म हुई है और करीब करीब 1 लाख की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। नमाज अदा किया लोगों ने, देश भर के लोग यहाँ पर आए हैं और खासतौर से दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ईद की नमाज जामा मस्जिद में अगर अदा की जाए तो एक खास महत्व है इसका। जी, ईद की नमाज़ हमारे यहाँ सबसे बड़ी नमाज है और ये हिंदुस्तान के अंदर ये खुशी का त्यौहार है। ये ईद का त्यौहार ये बड़ी खुशी का त्यौहार है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी जो हम लोगों की तैयारी है ईद की, यहाँ से हम लोग जाएंगे तो ख़ास तौर से ईद पे एक खास स्पेशल डिश होती है जिसे हम लोग शीर बोलते हैं। वो साल में खास तौर से ईद के दिन ही बनाई जाती है। तो यहाँ से जाने के बाद हम लोग शीर वगैरह खाएंगे और अपने मेहमानों को इनवाइट करते हैं। उसके बाद खास तौर से ये त्यौहार बच्चों का त्यौहार है, ये लोग ईदी के लिए खास फरमाइशें होती है कि हमारी ईदी दीजिए, तो फिर हम लोग बच्चों को ईदी देते हैं। तो बहुत खुशियों के साथ बच्चे अपना झूला झूलते हैं, ये सब बहुत खुशियों के साथ मनाते हैं। बच्चों की बात कर रहे हैं और बच्चे वाकई काफ़ी सजे धजे हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग इलाकों की टोपियाँ लगा करके बच्चे आए हैं। बच्चियाँ बहुत सारी संख्या में आई हुई नीचे हमें दिख रही थी लाल हरी फ्रॉकों में। किस तरह से आप लोग ईद मनाएंगे? जो खुशी के हिसाब से ईद बना। दिन भर क्या करेंगे? दिन भर तो भाई यही होता है, मेहमानों को बुलाया जाता है और दावतें चलती रहती हैं, इसलिए खुशी चलती रहती है। ईद की खुशी लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रही है, बच्चे खूब खुश हैं और इस तरह से जामा मस्जिद से अब लोग निकलेंगे और अपने अपने घरों को जाएंगे, सेवैयां खाएंगे और सारे दिन लोगों से मुलाकातें करेंगे। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।